कल की मूवी के एक और धमाकेदार वीडियो में तुम सबका स्वागत है, क्योंकि इस वीडियो में तुम लोग को एक से बढ़कर एक अपडेट देने वाला हूँ। सबसे पहला अपडेट ये निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, कल की मूवी का शूट स्टार्ट हो गया हुआ है। देन इसके अलावा कनप्पा मूवी को लेकर भी काफी बड़ी अपडेट निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। कनप्पा के जो लीड एक्टर है ना विष्णु मंचू, उन्होंने प्रभास सर को लेकर काफी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। सच बोलूं तो मुझे ना एक चीजें भाई अभी ना क्लियर दिखता हुआ नजर आ रहा है, कल की भाई एक इतिहास रचने वाली फिल्म बनने वाली है, क्योंकि यहाँ मेकर्स जरा सा भी कोई भी चीजों पे ना कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। अक्सर भाई फिल्म मेकर्स कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं जब ये वो अपने फाइनल स्टेज में आते हैं ना, तो थोड़ा बहुत भाई चीजें इधर से उधर करके कंप्लीट कर देते हैं। बट यहाँ नाग अश्विन छोटे चीज के लिए भी भाई प्रभास सर को बुलाया है। हैदराबाद में प्रभास सर शूट कर रहे थे कनप्पा मूवी की, वहां से बुलाया गया है कि भैया प्लीज आइए, कुछ काम है, इसको कंप्लीट कीजिए, देन फिर आप जाइए। ये डेडिकेशन है भाई ये नाग अश्विन की। जो भी लोग बोल रहे हैं कि नॉर्मल फिल्म है, नहीं है मेरे भाई, चलो फिर बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोग से एक ही चीज़ बोलूंगा, अभी तक जो भी वालों चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हो तो प्लीज मेरे भाई चैनल को जरूरी सब्सक्राइब कर लेना। सो बैक टू पॉइंट आते हैं, सबसे पहले कल की मूवी को लेकर बातें करते हैं। एक्चुअली में इस फिल्म का शूट क्या हो रहा है, देखो भाई कुछ पैच वर्क बचे हुए हैं और कल ही ये पैच वर्क को कंप्लीट भी कर लिया गया। बताई जा रही है कि 3 से 4 घंटे भाई पैच वर्क चला था, उसके बाद पैच वर्क कंप्लीट हो गया। एक चीज और मैं तुम लोग को बता दूं ना, ये फिल्म का टोटल पैच वर्क कंप्लीट हो चुका था, मतलब फिल्म ना प्रॉपर बन उनको रेडी हो चुकी थी, एडिटिंग टेबल पे भी पहुंच गया हुआ था। बट वहां एडिटर ऑडिटर जो VFX डिजाइन वाले बाहर से आए हुए हैं, लोग लास्ट टाइम पे डिमांड कर रहे हैं कि इस सीन में अगर थोड़ा और पैच वर्क मिल जाता तो और हम लोग बेटर तरीका से ये सीन में ना जान डाल सकते थे। फिर हुआ भाई कि अब क्या किया जाए, तो भाई प्रभास सर को बुलाया जाए कैसे भी करके। प्रभास सर तो कनप्पा के सूट में भी बिजी हैं। देन इसके बीच में प्रभास सर जाके कल की मूवी के पैच वर्क को कंप्लीट करा। सो अब बात कर लेते हैं कनप्पा का क्या सीन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। कनप्पा में ऐसा बताई जा रही है कि शायद प्रभास सर परशुराम भगवान के कैरेक्टर को प्ले कर सकते हैं, बट इसके साथ साथ एक ये भी रूमर आ रही है कि शायद अपने शंकर भगवान के भी कैरेक्टर को प्ले कर सकते हैं। भाई लोग बहुत ही कंफ्यूजिंग वाली सारी चीज़ें चल रही है, और ये कंफ्यूजन है तुम लोग को मंडे को ना क्लियर हो जाए, क्योंकि मंडे को प्रभास सर का ऑफिशियल लुक आने वाला है कनप्पा मूवी से। और इसकी जानकारी इस फिल्म के जो एक्टर है प्रोड्यूसर है उन्होंने ही दिया हुआ है। उन्होंने प्रभास सर को लेकर क्या बड़ा स्टेटमेंट दिया है मैं वो तुम लोग को बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि मैं प्रभास सर को ना एक कैरेक्टर के लिए अप्रोच करा हुआ था, बट प्रभास सर को जब भी मैंने स्टोरी सुनाई, प्रभास सर जो मैं कैरेक्टर उनको ऑफर कर रहा था वो कैरेक्टर ना करके वो एक दूसरे कैरेक्टर को चूज करे हुए हैं, और ये भी कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, और ये कैरेक्टर को हम लोगों ने बैठ के डेवलप्ड भी करा। तो इसके अलावा मंडे को हम लोग एक बड़ा ही धमाकेदार चीज को रिलीज करने वाले हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि प्रभास सर के शायद ये लोग लुक को रिलीज करते हैं। बाकी तुम्हारा क्या कहना है, अपना ओपिनियन तुम लोग कमेंट करके जरूर बताना है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।